मैं तो यहीं भी खड़ा भैया। नमस्कार, मैं अमन यादव और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मान लीजिए आपने कोई गलत काम किया, लेकिन उसे करते वक्त वही शख्स आपको रंगे हाथ पकड़ ले, जिससे आप किसी भी तरह से उस काम का पता नहीं चलने देना चाहते थे, तो सोचिए क्या होगा। कुछ ऐसा ही एक शख्स के साथ हुआ, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि शख्स चोरी की बिजली चला रहा था, घर पर बिजली विभाग का छापा पड़ा और मजेदार अंदाज में घर के मालिक उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। पहले आप इस पूरी वीडियो को देखिए। मैं तो यहीं भी खड़ा भैया। इस घटना को उत्तर प्रदेश के मुरादनगर का बताया जा रहा है। वहां एक घर में बिजली चोरी हो रही थी, फिर बिजली विभाग की चेकिंग टीम उसे घर के बाहर पहुंची, दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर मौजूद शख्स ने गेट नहीं खोला। फिर बिजली विभाग की बिजली चोरी का शक हुआ, इसीलिए लाइनमैन को बराबर वाले घर से ऊपर चढ़ाया गया। वो वहां पर बिजली चोरी की वीडियोग्राफी ही कर रहा था कि घर का मालिक रेंगते हुए बालकनी में आया और बिजली चोरी का तार काटने लगा, जिसने वह पकड़ा गया, लेकिन ये सब कैमरे में भी कैद हो गया। चोरी की बिजली का तार चोरी छिपे काटकर शख्स को लगता है कि कोई उसे देख नहीं रहा है, लेकिन लाइनमैन ये सब वीडियो कैमरे में कैद कर रहा था। वह कहता है, मैं तो यहीं पर खड़ा हूं भैया। यही सुनते ही शख्स के होश उड़ जाते हैं और लाइनमैन को हंसी आ जाती है। वहीं इंडिया टुडे से बातचीत में मुरादनगर के बिजली विभाग के एसडीओ अभिषेक मौर्य ने बताया कि यह घटना 6 जुलाई की है। उन्होंने कहा कि बिजली चोरी की खबर के बाद वे लोग वहां सुबह छापा मारने पहुंचे थे। फिलहाल विभाग आगे की कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मैं अमन यादव, वीके न्यूज़, दिल्ली।